यूएन महासभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। कहा भारत शांति का पक्षधर लेकिन आतंकवाद बर्दाश्त नहीं। एस जयशंकर ने आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय बैन की अपील की। यूएन से की आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग। एस जयशंकर ने यूएन से आतंकवाद के प्रायोजक देशों और उन्हें बचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एस जयशंकर ने आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की वकालत करते हुए कहा कि दशकों से सीमा पार आतंकवाद भुगत रहा है भारत। एस जयशंकर ने यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को दोहराया। कहा भारत बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले विदेश मंत्री। कहा कि हम शांति के पक्षधर हैं, बातचीत के जरिए हल निकल सकता है। विदेश मंत्री ने यूएन में सुनाई भारत के 75 साल के विकास की दास्तां। कहा हम सबसे गरीब देश से दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। एस जयशंकर ने यूएन के मंच से किया दावा 2047 तक भारत का एक विकसित देश बनने का लक्ष्य। एस जयशंकर ने कोरोना काल का भी जिक्र किया। कहा हमने दुनिया को वैक्सीन दी, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलवामा में आतंकवादियों ने दो मजदूरों को निशाना बनाकर फायरिंग की, अस्पताल में भर्ती। दोनों मजदूरों की हालत फिलहाल स्थिर, दोनों बिहार के बेतिया जिले के रहने वाले। जम्मू कश्मीर के परगाल में मिला शेल, बीएसएफ की बम स्क्वाड टीम ने वहां पर से डिफ्यूज किया। पीएफआई का इंटरनेशनल चेहरा हुआ बेनका। पुणे में एनआईए की रेड के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते पीएफआई कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल। देश विरोधी नारे पर महाराष्ट्र सरकार सख्त। सीएम ने कहा कि शिवाजी की धरती पर बर्दाश्त नहीं है देश विरोधी हरकत। पुणे के डीसीपी का बयान, प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने की हो रही है जांच, सख्त कार्रवाई होगी। पुणे पुलिस का पीएफआई कार्यकर्ताओं पर एक्शन, प्रदर्शन के दौरान नारे लगाने वाले 8 से 10 कार्यकर्ता हिरासत में। देश विरोधी लोगों के खिलाफ शिवसेना की मांग, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को डालें जेल। तमिलनाडु के मदुरै में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर पेट्रोल बम से हमला, अज्ञात शख्स ने घर पर 3 पेट्रोल बम फेंके। हमले में किसी के जान को नुकसान नहीं पहुंचा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। तमिलनाडु में एक दिन में आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर बम की ये दूसरी घटना। एनआईए की पूछताछ में पीएफआई मेंबर का खुलासा, पीएफआई के निशाने पर थी पीएम मोदी की पटना रैली। पीएफआई पर बरसे कपिल मिश्रा। कहा पीएम की हत्या की साजिश के लिए पीएफआई ने युवाओं को दी ट्रेनिंग। पीएफआई पर एनआईए का खुलासा, भारत के युवाओं को आतंकी संगठन लश्कर अलकायदा और आईएसआईएस में शामिल करने के लिए उकसाया। दिल्ली में एनआईए ने 3 लोगों को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। यूपी एटीएस ने पीएफआई के 6 मेंबर गिरफ्तार किए, आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और वीएचपी की पीएफआई से की तुलना, बताया एक ही थाली के चट्टे बट्टे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएफआई पर कार्रवाई तो आरएसएस और वीएचपी पर क्यों नहीं, ये भी फैलाते हैं नफरत और हिंसा। पीएफआई के बचाव में उतरे राजस्थान कांग्रेस विधायक वाजिब अली। कहा पीएफआई को बदनाम करने की साजिश, मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करती है पीएफआई। पीएफआई के प्रदर्शन पर बोले केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद। कहा कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई जरूरी। केरल के सीएम का बयान, पीएफआई की हड़ताल के दौरान पहले से बनाई गई थी हिंसा की साजिश, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अंकिता भंडारी का ऋषिकेश एम्स में हुआ पोस्टमार्टम, परिवार को सौंपा गया पार्थिव शरीर। अंकिता के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, शरीर पर मिले चोट के निशान, हत्या से पहले मारपीट की आशंका। अंकिता का आज पौड़ी गढ़वाल में किया जाएगा अंतिम संस्कार, श्रीनगर में अलकनंदा नदी के किनारे एनआईटी घाट पर किया जाएगा। अंकिता मर्डर केस की होगी फॉरेंसिक जांच, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का भरोसा दिया। अंकिता के रिश्तेदारों ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले जाने की अपील। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी का गठन, डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई वाली एसआईटी करेगी मामले की जांच। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार का एक्शन, अंकिता आर्य को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से किया गया निष्कासित। अंकिता मर्डर पर आम आदमी पार्टी की महिला विंग आज करेगी बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, दोपहर 12 बजे बीजेपी मुख्यालय का घेराव भी करेगी। पीएम मोदी आज देश के साथ शेयर करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे मन की बात के 93 एपिसोड का होगा रेडियो प्रसारण। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिवसीय केरल दौरा, कोट्टायम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुनेंगे पीएम मोदी के मन की बात। जेपी नड्डा दोपहर 12:30 बजे केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से करेंगे मुलाकात, शाम को 5:30 बजे बीजेपी जिला ऑफिस का करेंगे उद्घाटन। पूर्व डेप्यूटी पीएम चौधरी देवीलाल की 109वीं जयंती के मौके पर INLD की आज सम्मान दिवस रैली, हरियाणा के फतेहाबाद में होगा रैली का आयोजन। INLD की रैली में तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद, शरद पवार, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी, सीताराम येचुरी, फारूक अब्दुल्ला सहित कई नेता शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री पर कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक। अशोक गहलोत के आवास पर शाम को 7 बजे होगी विधायक दल की बैठक, खड़गे के साथ राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी होंगे बैठक में शामिल। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आवास का बड़ा बयान, अध्यक्ष बनने के बाद भी अशोक गहलोत को सीएम बनाए रखें आला कमान। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना, कहा कि कांग्रेस जोड़ो नारा देते तो अच्छा रहता। मिशन 2024 पर लालू यादव का फोकस, दिल्ली में आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, सीएम नीतीश भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज गुजरात दौरा, पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ जाएंगे अहमदाबाद।
केजरीवाल और भगवंत मान राज्य सरकार के सफाई कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स से करेंगे मुलाकात, उनकी मुश्किलों के बारे में चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रभारी राघव चड्ढा ने राजकोट में किया लोगों की मांगे पूरे करने का वादा, कहा कि बीजेपी के कुशासन का उगांत। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा, दिल्ली में भागवत के मदरसे दौरे को बताया ड्रामा। ओवैसी ने अहमदाबाद की रैली में बीजेपी पर किया हमला, कहा कि बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के सिवाय कुछ नहीं। मथुरा से कंगना रनौत ने चुनाव लड़ने की अटकलों पर हेमा मालिनी का तंज, मथुरा में सब फिल्म स्टार ही चाहिए, कल राखी सावंत भी बनाएंगी। जम्मू कश्मीर के सामा में एक शख्स की हत्या, तेज धार हथियार से किया गया हमला, गोली भी मारी गई, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। कानपुर में धर्म परिवर्तन की कोशिश का मामला सामने आया, क्लास में पढ़ने वाले 3 छात्रों ने अपने साथ पढ़ने वाले छात्र का ब्रेन वॉश किया। 11वीं के छात्र के घर में नमाज पढ़ने लगा, परिजनों के डांटने पर घर छोड़कर फरार, छात्र की कॉपियों में अल्लाह अकबर लिखा मिला। परिजनों की शिकायत के आधार पर छात्र के 3 दोस्तों पर FIR दर्ज, जयपुर में मिले छात्र को पुलिस टीम लेने के लिए रवाना। गुरुग्राम में बारिश का कहर, तीसरे दिन भी जारी, दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगा लंबा जाम। गुरुग्राम में सड़क पर पानी में फंसी टैक्सी, स्टीयरिंग तक पहुंचा बारिश का पानी, गाड़ी की छत पर बैठा यात्री, सामान बचाने के लिए ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर सूटकेस रखा। हिमाचल के सोलन में दरका पहाड़, भारी मात्रा में पत्थर और मलबा सड़क पर आया। बुलंदशहर में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गैंगस्टर जावेद की 1,36,00,000 की संपत्ति, आवासीय प्लॉट और खेती की जमीन जब्त। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में स्ट्रीट डॉग ने बच्चे पर किया हमला, बच्चा सोसाइटी के अंदर एक शॉप से सामान लेने जा रहा था। अलीगढ़ में ड्रग विभाग की टीम ने दवाइयों के काले कारोबार पर छापा मारा, करीब 4 करोड़ की अवैध दवाइयां बरामद। मंदसौर में किसान ने 24 बोरी लहसुन पानी में फेंका, कहा कि उचित कीमत नहीं मिलने से उठाया कदम। विशाखापट्टनम में कार शेड में लगी भीषण आग, कार शेड से उठने लगी ऊंची ऊंची लपटें। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक शख्स को मगरमच्छ ने मारा, नदी में भैंस को निकालने गया था। कोलकाता में दुर्गा पूजा के एक कार्यक्रम में पहुंची मीनाक्षी लेखी, कहा गलत पर सही की जीत का प्रतीक है दुर्गा पूजा। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारी अंतिम चरण में, कार्यकर्ताओं ने लाल किला के थीम पर बनाया पंडाल, आजादी के 75वें वर्ष पर किया समर्पित। असम के डिब्रूगढ़ में भी जोर शोर से चल रही पूजा की तैयारी, लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए बांस से बनाया जा रहा है पंडाल। दिल्ली में 24 घंटे में 71 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, 95 लोग कोरोना से ठीक हुए, एक भी मौत नहीं। उड़ीसा के राउरकेला में तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, अस्पतालों में की गई पुख्ता तैयारी। खेरसों में कई इलाकों से रूस को पीछे हटने में यूक्रेनी सेना कामयाब, नजर आई रूसी सेना की मचाई तबाही। यूक्रेन के जोनावास क्षेत्र में रूसी रेफरेंडम के खिलाफ कीव में विरोध प्रदर्शन, मारियोपोल से आए हजारों लोगों ने मार्च किया। यूक्रेन के खारकीव में 7 श्रीलंकाइयों ने रूसी सेना पर बंधक बनाने के और टॉर्चर करने का आरोप लगाया, कहा कि एक फैक्ट्री में कैद किए गए थे 7 श्रीलंकाई। रूस में पुतिन की सेना में शामिल होने के फरमान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू, मॉस्को की सड़कों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों पर मॉस्को पुलिस का सख्त रवैया, करीब 100 प्रदर्शनकारी हिरासत में। सेंट पीटर्सबर्ग में पुलिस ने 46 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, पुतिन के फैसले के खिलाफ विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा। साइबेरिया में लोगों ने घेरा बनाकर किया सेना भर्ती के फरमान का विरोध, पुलिस ने 96 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। स्पेन के मैड्रिड में सड़कों पर उतरे 10,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी, सैलरी बढ़ाने की मांग पर अड़े। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर जारी प्रदर्शन ने लिया हिंसक रूप, अब तक 35 लोगों की मौत की खबर। तेहरान में ईरानी सुरक्षा बलों का प्रदर्शनकारियों पर गोली दागने के वीडियो आए सामने, मानवाधिकार संगठनों ने विरोध व्यक्त किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताया भरोसा, कहा कि दूसरी करेंसी की तुलना में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती से खड़ा। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरने पर वित्त मंत्री ने कहा RBI और वित्त मंत्रालय लगातार बनाए हुए हैं नजर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में आज तीसरा T20 मैच, सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से उतरेंगी दोनों टीमें, शाम को 7 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 16 रन से हराया, 3-0 से सीरीज पर किया कब्जा। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 169 रन बनाए, इंग्लैंड की पूरी टीम 153 पर सिमटी। दीप्ति शर्मा और स्मृति मंधाना ने जड़ी 50, रेणुका सिंह ने लिए 4 विकेट। जुलन गोस्वामी को लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड की टीम ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर, खिलाड़ी और अंपायर्स ने बजाई तालियां। जुलन गोस्वामी के फेयरवेल मैच में पूरी टीम हुई इमोशनल, जुलन के गले लगकर रोई हरमनप्रीत। ICC महिला T20 विश्व कप के लिए आयरलैंड बांग्लादेश ने किया क्वालिफाई। महेंद्र सिंह धोनी आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, दोपहर 2 बजे फैंस के साथ फेसबुक पर लाइव जुड़ेंगे। आखिरी मैच खेलने के बाद भावुक हो गए रॉजर फेडरर, विराट कोहली ने किया इमोशनल ट्वीट। नेशनल गेम्स में टेबल टेनिस में हरमीत ने जीता मेन सिंगल का खिताब, फाइनल में सौभ्यजीत को हराया। सुतितार्थ ने जीता विमेन सिंगल का खिताब, फाइनल में श्रीजा को 4-1 से हराया। नेशनल गेम्स में नहीं हिस्सा लेंगी PV सिंधु, चोटिल होने के कारण फैसला। ऋतिक और सैफ की फिल्म विक्रम वेदा की एडवांस बुकिंग शुरू, 30 सितंबर को बड़े पर्दे पर आएगी। मधुर भंडारकर की दलील, जानबूझकर बनाई बबली बाउंसर जैसी कॉमेडी फिल्म। फिल्म गुड बाय का गाना छन परदेसी हुआ रिलीज, अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता की शानदार केमिस्ट्री।
इटली के फैशन शो में छाई किम कार्दाशियन, रैंप के बैकग्राउंड पर दिखी किम पर बनी फिल्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।